दोस्तों, आज का विषय है सांख्यिकी। यह इस विषय का दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। कल्पित माध्य विधि पढ़ने से पहले यह समझते हैं, अगर हमने किसी परीक्षा में सभी बच्चों के अंक 10 अंक से बढ़ा दिए तो इन अंकों के माध्य पर क्या असर पड़ता है। सोचने पर लगता है कि शायद यह बढ़ेगा, तो देखते हैं कि यह कितने क्रमांक से बढ़ता है। तो हम इस पे FIXI वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इस टर्म को हम अलग अलग करके लिख देंगे इसमें और इसमें। ऐसे ही हम सभी टर्म्स को करेंगे तो हमें मिलता है कि यह तो सिर्फ a ही है और यह हमारा x बार है, तो इसका उत्तर आता है x बार प्लस a। यानी कि अगर हम सभी प्रेक्षणों को a से बढ़ा दें तो माध्य भी a से भर जाता है। इसे हम सिग्मा की मदद से भी कर सकते थे। तो चलिए अब कल्पित माध्य विधि शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में हम XIFI निकालते थे, परंतु अगर उनमें से कोई भी बहुत बड़ा हो तो XIFI निकालना आसान नहीं होगा। ऐसी परेशानी को हटाने के लिए ही कल्पित माध्य विधि बनाई गई। इस विधि में हम किसी एक XI को अपना कल्पित माध्य मान लेते हैं। अब हम सभी XI में और इस कल्पित माध्य में अंतर निकाल लेंगे। अब हमारे पास हर XI के लिए एक DI है, DI इक्वल टू XI माइनस A। इसका मतलब अब हम D का माध्य निकाल सकते हैं और उसे फिर कल्पित माध्य में जोड़ देंगे, तो हमें आएगा X बार इज इक्वल टू D बार प्लस A। तो चलिए यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। जो उदाहरण हमने प्रत्यक्ष विधि के लिए लिया था, उन्हीं आंकड़ों के लिए कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालें। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हम किसी भी प्रेक्षण को अपना कल्पित माध्य मान सकते हैं। समझ लीजिए, मैंने 47.5 को अपना कल्पित माध्य यानी a मान लिया, तो हमें कुछ ऐसी सारणी मिलेगी। a इज इक्वल टू 47.5, di होगा xi माइनस a जो कि है xi माइनस 47.5, x बार जो है वो होगा a प्लस d बार, और d बार क्या है, सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। इससे हमें x बार 62 आता है। अगर आपको याद हो तो यही उत्तर प्रत्यक्ष विधि से भी आया था। इसका मतलब कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि एक ही उत्तर देते हैं। पग विचलन विधि। यह विधि शुरू करने से पहले इस प्रश्न का उत्तर दें। अगर हम ui को ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाय h लिखें तो x बार और u बार में क्या संबंध होगा। हिंट है, सिग्मा का इस्तेमाल करो। तो पहले तो हमें दिया गया है ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाय h। हमें u बार चाहिए तो हम सिग्मा लगाएंगे, हमें मिलेगा u बार इज इक्वल टू 1 बाय h सिग्मा fi xi माइनस a सिग्मा fi बटे सिग्मा fi। इसे हम ले सकते हैं ऐसे। अब हम जानते हैं कि यह तो सिर्फ x बार है और यह केवल a है, तो इसे हम लिख सकते हैं u बार इज इक्वल टू 1 बाय h x बार माइनस a। इससे हमें मिलेगा यह, और अंत में x बार इज इक्वल टू a प्लस h u बार। पग विचलन विधि में हम हर प्रेक्षण xi के लिए ui इज इक्वल टू xi माइनस a बटे h लिखते हैं। अब
यूबार यानी यूआई का माध्य निकालते हैं, एक्सआई का माध्य होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यूबार। तो चलिए उसी उदाहरण को पग विचलन विधि से समझने की कोशिश करते हैं। हम ए को 47.5 ही लेंगे और एच को ऊपरी और निचली वर्ग सीमाओं का अंतर लेंगे जो कि होगा 15। तो हमें कुछ ऐसी सारणी मिलती है। हमें दिखता है एफ आई यू आई का सिग्मा है 29, सिग्मा एफ आई है 30, तो यू बार होगा 29/30। अब एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार जो कि होगा 47.5 प्लस 15 इंटू 29/30 जो आता है 62। इसका मतलब प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि एक ही उत्तर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको तीन विधियां दे दी जो समान माध्य देती हैं, तो कौन सी विधि कब लगाएं? इसका उत्तर है, क्योंकि तीनों विधियां समान उत्तर देती हैं, हम देखते हैं कि हमें सबसे कम समय और गणना किस विधि में लग रही है। यानी कि अगर xi और fi छोटे हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे, अगर xi और fi बड़े हैं तो कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वर्ग अंतराल असमान है और xi भी बड़े हैं तो हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, जहां h ऐसा होगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा di का भाजक हो। बहुलक शुरू करने से पहले हम अनुपात याद करते हैं इस छोटे से उदाहरण से। अगर किसी कक्षा में 53% छात्राएं हैं और कुल 200 बच्चे हैं तो उस कक्षा में कितने छात्र और छात्राएं हैं? तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते थे कि 53 + 47 × 200 छात्राएं होंगी जो कि होगा 106, और छात्र होंगे 47 / 53 + 47 × 200 जो कि है 94। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक पढ़ने से पहले हमें इन दो प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। पहला, बहुलक क्या होता है? वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम हो हम उसे बहुलक बोलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या एक से अधिक मानों की समान अधिकतम बारंबारता हो सकती है? हाँ, उन आंकड़ों को बहुबहुलकीय कहा जाता है, परंतु हम यहाँ केवल एक बहुलक वाले आंकड़ों के लिए बहुलक निकालने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सामने किसी आंकड़े के लिए वर्ग और बारंबारता का चित्र है। यहाँ यह वाला वर्ग बहुलक वर्ग होएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बारंबारता अधिकतम है। यह बहुलक वर्ग के पहला वाला वर्ग है। यह बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग है। मान लीजिए मैंने बहुलक वर्ग की बारंबारता को f1 बोला है और बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता को f0, ऐसे ही बाद वाले वर्ग को f2। तो यह f1 - f2 है, यह f1 - f0 और यह h यानी वर्ग अंतराल है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पता है। हमें पता है कि बहुलक सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले वर्ग यानी कि बहुलक वर्ग में ही होगा, परंतु उस वर्ग में कहाँ? क्या हम उस वर्ग का वर्ग चिन्ह ही ले लें? नहीं, हम उससे बेहतर कर सकते हैं। अगर f0 और f1 बहुत पास में है तो हमारा बहुलक निचली वर्ग सीमा के बहुत करीब होगा, और ऐसे ही अगर f1 और f2 करीब हैं तो बहुलक ऊपरी वर्ग सीमा के बहुत पास होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ पहले कभी देखा है? क्या इसका अनुपात से कोई संबंध है? चलिए बहुलक वर्ग को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। समझो अगर मैंने बोला हमारा बहुलक निचली वर्ग सीमा से x की दूरी पर है तो x क्या होगा? हमारा अनुपात वाला फॉर्मूला याद करो। x होगा f1 - f0 / f1 - f0 +
एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, यह होता है एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू स्टार एच। इससे बहुलक आएगा x प्लस एल, जो कि होगा l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू स्टार एच। तो दोस्तों, हमने अभी बहुलक का फॉर्मूला निकालना देखा, तो क्यों ना आपको उसी पर एक गृह कार्य दिया जाए। हमने बहुलक का फॉर्मूला बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा यानी l के अनुसार निकाला था। इससे बहुलक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा u के अनुसार निकालें और देखें कि यह दोनों समान हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। धन्यवाद।